पीएम मोदी ने दिल्ली में भारत मंडपम में स्टार्टर अप महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है। ऐसे समय में स्टार्टर अप महाकुंभ का कई महत्व है। बीते दशकों में भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टर अप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। पीएम ने कहा, आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टर अप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि 45% से ज्यादा स्टार्टर अप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। कोई बिजनेस की बात करना था तो पहले आइडिया की नहीं, दिमाग ही है यार, करना तो है लेकिन पैसे कहां से लाऊं। शुरुआत की चिंता उसकी पैसों से रहती थी। जिसके पास पैसा है वही बिजनेस कर सकता है, ये हमारे यहां धारणा बन चुकी थी। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उस साइकी को तोड़ दिया है जी, और देश में जो रिवॉल्यूशन आता है ना ऐसी चीजों से आता है। देश के नौजवानों ने जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनने का रास्ता चुना है, और फिर जब देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इनमें स्टार्टअप के लिए नई संभावनाएं बन रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है, नारी शक्ति कर रही है।